टेन फोर एक्स इक्वल टू फोर टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। डिवाइडेड बाई वन माइनस सिक्स टेन स्क्वायर एक्स। प्लस टेन टू दी पावर फोर एक्स। ये प्रूव करना है बेटा। तो यहाँ टेन फोर एक्स है तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड हमने ली इसकी टेन फोर एक्स। टेन फोर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख लिया हमने टेन, क्योंकि तो हमारे पास जो फॉर्मूलाज हमने जो प्रूव किए थे उसमें टेन टू एक्स का फॉर्मूला था, टेन थ्री एक्स का फॉर्मूला था, टेन फोर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं था। तो हम इसको टेन टू एक्स के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमने टू इंटू टू एक्स लिख दिया, ठीक है। इसको हमने एज्यूम कर लिया, जब हम फार्मूला इसके अंदर टेन टू एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और एक्स की जगह हम क्या ले रहे हैं, टू एक्स ले रहे हैं। तो टेन टू एक्स का फॉर्मूला है टू टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये हमने फॉर्मूला, हमने सिर्फ सिंपल फॉर्मूला जो था टेन टू एक्स का वो फॉर्मूला हमने यूज किया है। अब यहाँ पर टेन टू एक्स का फॉर्मूला दोबारा अप्लाई हो सकता है। एक बार तो हमने फॉर्मूला यूज कर लिया, यहाँ पर हमारे दोबारा वही फॉर्म बन रही है टेन टू एक्स वाली, तो हमने इसमें दोबारा अप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, टू टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसी तरीके से डिनोमीटर में भी हम यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वन माइनस टू टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। लगे ये पूरी टर्म का क्या है, स्क्वायर है। देखो बेटा ये टेन फोर एक्स है, फोर टेन एक्स हमें प्रूव करना है ना, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो टेन टू एक्स का फॉर्मूला भी ये फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, क्योंकि तो हमारे पास फॉर्मूला टेन फोर एक्स का नहीं है, टेन टू एक्स का है। टेन टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूले का हमें यूज करना है, ठीक है। टेन फोर एक्स का तो फॉर्मूला है नहीं, तो हमने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, टेन फोर एक्स को हमने क्या लिखा, टेन टू एक्स लिख लिया। अब आप ये समझो कि एक्स की जगह कितना है, टू एक्स है, तो हम फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो ये हो जाएगा टू टेन एक्स, एक्स की जगह क्या लिखोगे आप, टू एक्स लिखोगे, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हमारे पास जो है, हमने इसी फॉर्मूले का यूज दोबारा किया है, एक बार और, क्योंकि टू एक्स फिर आ रहा है तो हम इसको दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोबारा अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, टू टू टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो गया। फिर यहां पर भी हमने डिनोमिनेटर में भी अप्लाई कर लिया, वन माइनस टू टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो गया। तो जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, अब इसको यहाँ पर जो है ये स्क्वायर लिखा हुआ है तो हमें इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना है आप। तो यहाँ हमने टू से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद फोर टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड। तो डिवाइडेड करेंगे तो ये आपका वन माइनस के टू का स्क्वायर कितना हो गया, फोर टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा।
ये हमारा न्यूमरेटर वाली टर्म अलग है, ये a अपॉन b है ना, इस यहाँ पर हम इसको एलसीएम और लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आपका है 4 tan x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाई, है ना, यहाँ हमने एलसीएम लिया है। इसका एलसीएम कितना हो गया, इसका एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आपका इन दोनों टर्म का, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है, 1 ही है ना, इसका एलसीएम ये हो गया, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 4 tan स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इसको एलसीएम लेने के बाद देखा है। अब आप ये वाली जो टर्म देखो, ये वाली जो टर्म है और ये जो टर्म है, दोनों सेम है। ठीक है, अब आप इस वाली टर्म से आप ये वाली पूरी टर्म कैंसिल कर सकते हैं, एक पावर इसकी खत्म हो गई, ये जो टर्म बची ये ऊपर चली जाएगी। इसको आप लिख सकते हो 4 tan x इंटू 1 माइनस के 10 स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर x का स्क्वायर, 10 4x हो जाएगा -2 tan स्क्वायर x, -4 tan स्क्वायर ये x का। न्यूमरेटर में जो हमें प्रूव करना था वो ये वही टर्म आ गया, न्यूमरेटर वाली टर्म पहले टेज आ गई, 4 tan x 1 माइनस के 10 स्क्वायर x, और नीचे जो आ रही है टर्म 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x आ रही है, तो देखो 1 ये -2 tan स्क्वायर x और -4 tan स्क्वायर x दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x हो गया, +10 to the power 4x हो गया। ये इस तरीके से हमारी फिर ये राइट हैंड साइड आ गई, इस तरीके से हमने सॉल्व किया है। मतलब इसमें बस एक ही फॉर्मूले का दो बार एप्लीकेशन है, ठीक है, और उसकी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या है, आपको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है जो आप ना कर पाओ, क्वेश्चन लेंदी जरूर है लेकिन समझने में और करने में मुश्किल नहीं है। इसमें हमने एक बार अप्लाई किया, फिर यहाँ पर दोबारा अप्लाई किया, फिर यहाँ पर एलसीएम लिया, फिर उसके बाद हमने जो टर्म कैंसिल हो सकती थी कैंसिल कर ली, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, ये सारी चीजें आपको पहले से ही पता है। ठीक है, ट्वेंटी थ्री के बाद है क्वेश्चन नंबर 24 है ना, 24 में हमें प्रूव करना है cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 sin² x cos² x। ये प्रूव करने के लिए आप देखो, हमारे पास जो टर्म आ रही है cos 4x है, और हमें लाना जो है वो sin x और cos x में लेके आना है। तो आपको जो cos 2x के तीन फॉर्मूले आपको बताए थे मैंने, cos 2x के जो फॉर्मूले होते हैं, cos 2x इज इक्वल टू, एक तो फॉर्मूला ये था cos² x -sin² x, एक फॉर्मूला था आपका 1 माइनस के 2 sin² x, एक फॉर्मूला था 2 cos² x -1, है ना, ये तीन फॉर्मूले हैं। तो जैसी हमारी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर लेते हैं। अब आप देखो इसमें कौन सी फॉर्म बन रही है, कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें cos 4x के लिए,
जब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जब हमें वन भी लेके आना है और साइन एक्स भी लेके आना है और कॉस एक्स भी लेके आना है, तो हमने क्या फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं? हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इसको पहले हमने क्या किया, कॉस फोर एक्स को कॉस फोर एक्स भी कर लीजिए, कॉस टू एक्स लिख लिए इस तरीके, ठीक है। इसकी जगह कितना है, टू एक्स है, तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया अगर इसमें, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह कितना है टू एक्स, तो यहाँ पर टू एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है जो सेकेंड वाला है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन टू एक्स का फॉर्मूला यूज किया, साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू एक्स का फॉर्मूला आपको एक ही फॉर्मूला है, साइन टू एक्स का टू साइन एक्स है ना, कॉस टू एक्स के तो आपके तीन फॉर्मूले हैं, हम जैसी जरूरत होती है उसको वही यूज कर लेते हैं। तो हमने अब साइन टू एक्स का फॉर्मूला यूज करना था, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, यही फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन टू एक्स की जगह क्या लिखता है, टू साइन एक्स कॉस एक्स, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो हमें जो भी टर्म आएगी साइन टू एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर टू एक्स का मतलब है जो भी वैल्यू साइन टू एक्स की होगी उस पूरे का स्क्वायर करना होगा, ठीक है। ये नहीं है कि एंगल का, एंगल इसमें इन्वॉल्व नहीं है, जो भी वैल्यू, ये एक ही टर्म है, साइन टू एक्स एक टर्म है, तो साइन स्क्वायर टू एक्स का मतलब है जो भी साइन टू एक्स की वैल्यू है उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये हो गया वन माइनस टू, इसका स्क्वायर किया तो क्या आया, फोर साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो वन माइनस फोर टू जो एट साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, तो यही हमें प्रूव करना था, यही आपकी क्या है, ये राइट आंसर, ठीक है। आप दोबारा देखना चाहो, दोबारा देखो, हमें जो प्रूव करना था कॉस फोर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एट साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्रूव करना है, ठीक है। तो इसकी हमने स्टार्टिंग की, क्योंकि कॉस फोर एक्स है तो कॉस टू एक्स का ही फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, जब कॉस टू एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हमारे पास तीन ऑप्शन है कॉस टू एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, हमें क्योंकि वन माइनस समथिंग लेके आना है तो हमने वन माइनस समथिंग वाला ही फॉर्मूला यूज किया, वन माइनस टू साइन स्क्वायर, जब वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स अप्लाई कर लिया फिर हमने साइन टू एक्स का ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, टू साइन एक्स कॉस, इसका स्क्वायर करना था तो पूरी टर्म का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो फोर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, फोर टू जाए एट साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये बहुत सिंपल था, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th, जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, cos 6x इज इक्वल टू थर्टी टू cos 2 दी पावर 6x माइनस 48 कॉस 4x प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये है ना, देखने में काफी मुश्किल, काफी डिफिकल्ट लग रहा है ना। आप जो है इसको cos 6x इज इक्वल टू 32 cos 2 की पावर 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x, तो कैसे शुरू करेंगे, cos 6x का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं है ना, लेकिन cos 2x और cos 3x के फॉर्मूला हमारे पास जरूर है, तो हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे cos 2x का फॉर्मूला लगा दें चाहे cos 3x का फॉर्मूला लगा दें। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लेके इसकी cos 6x
कॉस सिक्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस टू इंटू थ्री एक्स भी लिख सकते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, पहले कॉस टू एक्स वाला फॉर्मूला लगाया, क्या फॉर्मूला लगाया, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, है ना। कॉस टू एक्स का ये फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला हमने यूज किया, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये फॉर्मूला यूज करें, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन हम यूज करते हैं। अब हमारे पास कॉस थ्री एक्स आ गया, अब हम इससे कॉस थ्री एक्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कॉस थ्री एक्स का फॉर्मूला फोर कॉस क्यू एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स, ये फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे। ये टू ऐसे लिखा रहने दीजिए, यहाँ पर हमने यूज किया फोर कॉस क्यू एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स, इसका क्या है, स्क्वायर है माइनस वन। अब आपको यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने यूज कर लिया, टू ए का स्क्वायर सिक्सटीन कॉस सिक्स एक्स प्लस के नाइन कॉस स्क्वायर एक्स, टू फोर जाए एट, थ्री जा ट्वेंटी फोर कॉस थ्री एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है माइनस वन, ये अलग काम हो गया। माइनस वन तो सॉरी अलग है ना, माइनस वन तो पहले से ही अलग लिखा हुआ है, हमें जो मल्टीप्लाई करनी है वो टू की मल्टीप्लाई इस वाले टर्म से करनी है जो आए। तो आप टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, सिक्सटी टू जा थर्टी टू कॉस सिक्स एक्स, टू नाइन या एटीन कॉस स्क्वायर एक्स, और ट्वेंटी फोर टू जा फोर्टी एट। अब थ्री और वन पावर, कॉस की पावर है तो वो ऐड हो जाएगी, कॉस टू की पावर कितना हो गया फोर एक्स माइनस वन। अब आप देखो तो यही आ गया ना, थर्टी टू कॉस सिक्स एक्स माइनस फोर्टी एट कॉस फोर एक्स प्लस एटीन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन आएगा। ये हमने ये अप्लाई किया फॉर्मूला, पहले कॉस टू एक्स का किया फिर कॉस थ्री एक्स का किया, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड आपकी आएगी, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कॉस थ्री एक्स, यानी कि पहले हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर लें, कॉस थ्री एक्स का फॉर्मूला यूज करें, है ना, ये वाला फॉर्मूला। अगर आप ये वाला फॉर्मूला पहले यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, फोर कॉस क्यूब एक्स, एक्स की जगह लिखेंगे टू एक्स लिखेंगे, माइनस के थ्री कॉस एक्स, एक्स की जगह लिखेंगे टू एक्स लिखेंगे। अब कॉस टू एक्स का फॉर्मूला फिर दोबारा लगाना पड़ेगा, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, इसकी पावर कितनी हो गई थ्री हो गई, माइनस थ्री टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन हो गया। यहाँ पर आपने क्या किया, फोर ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब यानी एट, और कॉस स्क्वायर का करेंगे कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, है ना, सिक्स एक्स, वन का क्यूब कितना हो गया वन हो गया, ए क्यू माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यूब माइनस के थ्री ए स्क्वायर बी, यानी कि ए स्क्वायर का मतलब फोर कॉस फोर एक्स, है ना, थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, तो थ्री ए बी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री इंटू टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू बी कितना है वो वन, है ना, उसके बाद कितना है माइनस थ्री, यहाँ पर थ्री टू जा इसको खोल लेते हैं माइनस सिक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के थ्री आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको एक्सटेंड करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर एट जा थर्टी टू,
4 8 आ जाएगा आपका, 4 8 ये 4 8 32 cos 6x है ना, जो हमें ये लेके आना था 32 cos की पावर 6x, और फिर हमें क्या लाना है 4x 48 लाना है ना, तो ये 4 3 12, 12 4 48, तो 48 आ गया माइनस के 48 cos 4x आ गया, ठीक है। फिर हमें क्या लाना है, ये आना चाहिए आपका 18x2, तो 3 2 6 6 4 24x2 आएगा प्लस का, उसमें से 24 में से 6 माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 18 बच गया, प्लस का 18x2 आ गया, cos स्क्वायर एक्स आ गया। यहाँ पर आपने 4 से मल्टीप्लाई करी, माइनस का 4 है ना, और यहाँ पर कितना है, ये प्लस का 3 है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके से जो है आंसर सेम आ रहा है, लेकिन ये वाला कंपेरेटिवली इजी है ना, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा किस बारे में मैसेज आप करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें पावर क्यूब करनी पड़ रही है, पावर क्यूब करना थोड़ा कंपेरेटिवली मुश्किल है, यहाँ हमें स्क्वायर करना पड़ा है और एक ही बार एंटी यूज करनी पड़ी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमें दोनों जगह अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ रहा है ना, और आइडेंटिटी हमें क्यूब वाली यूज करनी पड़ रही है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी। तो आपको जो है जब भी कभी ये फॉर्मूला ये प्रूव करना है, तो आप ये याद रखो कि कॉस 6x है तो कॉस 2x का फॉर्मूला आप लगाएंगे पहले, है ना, कॉस 2x का फॉर्मूला लगा के 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो कॉस 3x को खोल दिया, फिर इसको खोलने के बाद इजीली आ गया। बोलो, मैंने दोनों तरीके से बता दिया, दोनों तरीके से पॉसिबल है, अब आपको देख लो कौन सा सही लग रहा है ना, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी है, इस वाले मेथड से आप इसको कर सकते हो। फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए, फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, है ना, फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे। हाँ हेलो, तो ये आपकी 3.3 है ना, 3.3 के आप जो है होमवर्क में आप क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं उसके एग्जाम्पल आप करके देखेंगे, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इक्वेशन में आपको जो है आप प्रूव करते चले आ रहे थे, तो इसमें आपको प्रूव नहीं करना है, आपको जाना इक्वेशंस जो दी होंगी उसमें वैल्यू फाइंड आउट करते थे। इक्वेशंस क्या होती है, उसमें हम जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, सेम इसी तरीके से जो भी अननोन होता है उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो इसमें जो है हमें जनरल फॉर्मूले आपको बता, इसके फॉर्मूले अलग है, जो आपने पहले एक्सरसाइज पे पढ़े थे वो फॉर्मूले अलग है, ठीक है बेटा। आप इसमें जाना, आपके आना सर बोल रहे हैं कि 2 मिनट रहते हैं, तो आप एक काम ये करो कि कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्रॉब्लम पूछ लो, ठीक है। 3.4 जो एक्सरसाइज है वो हम जो है फिर कल स्टार्ट करेंगे, उसके फॉर्मूले अलग अलग से बताने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर्मूले उसके बिल्कुल डिफरेंट है ना, इसमें इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। और मैंने आपको होमवर्क बता दिया, आप इसके है ना एग्जाम्पल करके देखना, एग्जाम्पल ऐसे ही जैसे हमने क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं।